शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदुल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन। एकदा मेरे साथ दुरूद इब्राहिम में शामिल हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। जीरा, चूँकि ये मेरा दूसरा मौका है कि हम दिल कर रहा था बात करें लेकिन वक्त की कोता दमनी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बाद वक्त मुख्तसर टाइम में जो कुछ हो जाता है वो शायद लंबी राम कहानियों में शक्ल होता है। जो अजीरा प्रेस की नैयत अभी आपके अहदेदारान और जो साबिक सदर हैं, जो उन्होंने यजीद थी कि मैं मुझसे हल्फ लेंगे, मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अजीरा में एक चीज़ आप सब ने नोट की कि जितने सियासी लोग हैं ये साफ़ी हैं, और अभी आप वकला भी हमें मिलने आए थे, आप देखेंगे कि ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन, खड़े लोग हैं, सीधे लोग। इसलिए इनका हम आते जाते हम बलोच में गए, दूसरी जगहों पर गए, कई जगहों पर हमारे उधरा लोटे हो गए, लेकिन ये है कि अजीरा अपनी जगह पर कायम रहे। अगर जो अजीरा के जो हमारे मेंबर थे उनके साथ भी आज 4-5 यूनियन काउंसिल में हुआ, जो मुझे पता है या इनको पता है कि हुआ क्या था। बड़े जज्बाती थे, सुबह आए कि शाम आए, लेकिन रुक गए किसी वजह से, लेकिन शरीफ और नफ्स आदमी है, अच्छे आदमी। अजीरा प्रेस के हवाले से आपकी प्रेस की मैंने जैसे वहाँ पर बात की कि आपका इंतजामियत का अमल है, हमें आपके मसाइल का भी और मसाइब का भी आइडिया है, लेकिन कल मेरे पास चूँकि बाग प्रेस के लोग भी आए थे और जो मेरा वज़ीर आज़म बनने के सारे टाइम में उनसे नहीं मुलाकात हो सकती, उन्होंने एक बात कल कही कि जी आपको कभी बाग प्रेस ने ब्लैकमेल किया हो, कभी कुछ कहा, तो मैंने भी उनको ब्रादरों ने एक चीज़ कही कि जी किसी खबर के लिए मैंने कभी फ़ोन किया, तो मैंने कहा जी मैं सौदेबाजी करता ही नहीं, जिसका हक बन रहा होता वो देने की कोशिश करता हूँ। चूँकि मैंने साफियों के हवाले से एक चीज़ कही थी कि साफ़ी बाहर जाएं, आ चुके वहाँ पे कारी अनिल साहब ने भी बात की, चूँकि जब आप बाहर जाएंगे, जो चीज़ मैं देखता हूँ कि आप जब साफ़ी की हैसियत से जाते हैं किसी मुल्क में, उस मुल्क की पार्लियामेंट हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर, बड़ी अहमियत देगा, प्लस उसकी वहाँ की साफ़त से आपकी दोस्ती हो जाएगी। 5 फरवरी जब पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीर के लिए कंधे से कंधा जोड़ती है, हाथों की चैन बनाती है, तो आप जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज है। एक ज़माना था कि जब हमें ये कहा जाता था कि ये ग्लोबल विलेज बनने जा रही है, उस वक्त आइडिया नहीं होता था, अब यकीनी तौर पे दुनिया सिकड़ के एक इस मोबाइल के अंदर सारी दुनिया के साथ आपकी कनेक्टिविटी है। हमारे मुल्क में इस वक्त को 150 से ऊपर सोशल मीडिया मतलब ऐप्स मौजूद हैं, ऑप्शन मौजूद हैं, मतलब इंडिविजुअल इन बॉक्स होकर या कलेक्टिव ग्रुपों की सूरत में बात कर सकते हैं। ये ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट जो था, और कहते थे कि घड़ी में मोबाइल आ जाएगा, वो भी आपने देख लिया, जो कुछ कहा गया था वो सारा हो रहा है। अजीरा के लिए सबसे पहले आपके पास 2-3 मुल्कों के ऑप्शन होंगे, वो मैं अभी अनाउंस कर देता हूँ। जाएंगे कश्मीर की बात करेंगे, बेशक अपना घूम फिर के शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर की बात करेंगे। एक मुल्क है आपके लिए अजीरा, चूँकि हमारी सब डिवीजन में आपके पास श्रीलंका का ऑप्शन मौजूद है, आपके पास मराकेश का अपने ऑप्शन मौजूद है, आपके पास पोलैंड का ऑप्शन मौजूद है, इनमें से किसी एक का, चूँकि यूरोपियन को शंजन में आता है पोलैंड, वो काम भी हो जाएगा अगर कोई ये हो गया जी शंजन वीज़ा लगना चाहिए, दूसरा काम भी अरब भी हो गए, इधर हमारा अपना साउथ एशिया जो है ये भी हो गया। आपका 5 डेज़ का ठहरना और सारी बोर्डिंग लॉजिंग वीज़ा फीस समेत मेरी जिम्मेदारी, ये हम अपनी शॉपिंग के साथ कश्मीर की आप लोग बात करेंगे, और हर मुल्क फिर खड़ा होगा, एक एक दो दो से आगे दुनिया चलती है। अगर आपके जो मैं अभी यासर साहब से भी पूछ रहा था, बाकी लोगों से, अगर आपके बच्चे कोई जो इस प्रेस के अंदर जो लोग हैं, एक तो हमारे काउंसलर साहब बन गए, आपके यासर साहब कह रहे थे स्वेद पोशे, लेकिन आप देखें ना डबल आपके पास कितने लोग काशान महसूस जैसे जैद जो सियासी कारकुन थे वो भी इस प्रेस के साथ एसोसिएट हैं,
गर्दई साहब भी हमें एक लम्हे में चेंज हो गया, जीरे वाले बन के देखा, आप भी डबल। उसमें ये है कि अगर आपके कुछ चार बच्चे, कोई दो बेटियाँ दो बेटे जो प्रेस क्लब के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, यासर साहब की तजवीज़ थी उनकी, हम आपको 5 साल की फीस फ्री भी करते हैं, आगे पढ़ते जाएंगे और बढ़ाएंगे, आप किसी जगह भी वो पढ़ें। जो आपको हमने ट्रिप की ऑप्शन दी, ये आप लोगों की बोर्डिंग लॉजिंग कोई नहीं देती, आपका एक मुल्क के अंदर कोयटा का ऑप्शन भी मौजूद है, ये आप लोग डेलीगेशन खुद बनाएंगे, मुझे पता है आप लोगों ने आपस में लड़ना भी लाजमी है, लेकिन इसमें से आप एक क्राइटेरिया रखेंगे जो आप सीनियर लोग करीम साहब के, मतलब है जिससे बने को पत्थर शत्र या पतले बने लगने भी जल्दी नहीं है, मतलब आप ये करेंगे कि जी 10 साल 8 साल को क्राइटेरिया रखेंगे तो फिर काम होगा, नहीं तो इनको आपने डाला।